आज हम माइनक्राफ्ट में परफॉर्म करने वाले हैं रिचुअल्स। इन रिचुअल का यूज करके हम समोन करेंगे माइनक्राफ्ट की खतरनाक डेंजरस बॉसेस जो हिडन है माइनक्राफ्ट के अंदर। हमारा फर्स्ट रिचुअल है वेयरवुल्फ। द वेयरवुल्फ होता है एक विलेजर, वही ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू वेयरवुल्फ। उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा द रेड आइस विलेजर। चलो उसको फाइंड आउट करेंगे। हम विलेज की हर एक दरवाजे को सर्च करेंगे। विलेजेस कहाँ पर है भाई? यहाँ पर विलेजेस नहीं है। वो यहाँ पर है विलेजर, शो मी योर फेस। अरे आके ग्रीन है भाई, ये नॉर्मल विलेजर है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमें चाहिए द ग्रीन आइस विलेजर। ग्रीन है यार, क्या बोल रहा मैं, रेड आइस विलेजर ग्रीन। यहाँ पर ये कौन है भाई, तेरा आइस दिखाओ। ओके ग्रीन, नो 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 ग्रीन नहीं है, ये तो रेड है भाई। मिथ के अनुसार यही वेयरफुल बन सकता है वेयरवुल्फ। कहाँ पर चला गया भाई तू? आए रुक जा इस बोर्ड के अंदर आ जा, बोट के अंदर आ जा। अरे कहाँ पर भागते, तो बोट के अंदर जा ना, अगर इसको मार तो वेयरवुल्फ में चेंज हो जाएगा। हाँ नहीं हो रहा यार, तू इस बोट के अंदर आ जाओ। गुड बाय, आ गया बोट के अंदर। अब चलो तुझे लेकर जाता हूँ मैं। एक कैसे बैठा है तू? हाँ तुम्हारे नौकर हो क्या मैं? अरे यार चलो इसको मैं यहाँ पर रोक देता हूँ मैं। हाँ उतर जा, यहीं पर आना तू। अब मैं ले लेता हूँ फेंस। इसको भागना नहीं चाहिए, उतरते ही भाग जाएगा ये, इसलिए मैं फेंस बना रहा हूँ यहाँ पर। ऑल राइट फेंस इज डन। अब बोट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं, तू यहीं पर रहना। अब हमें वेट करना पड़ेगा रात होने तक। अभी तो सूरज कहाँ पर? अरे यार अभी तो नून हुआ है, रात होने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक के लिए मैं हम बाकी के रिचुअल्स को ट्राई करेंगे, रात तक तू वेट करना, एट नाइट मैं आऊंगा तेरे पास। ये देखो भाई एंटिटी 303 स्पॉन। अच्छा ठीक है, चलो इस रिचुअल को हम ट्राई करेंगे भाई। 14 मिलियन व्यूज, वो भी 6 इयर्स अगो वीडियो है ये। वाह भाई वाह, बहुत ही पुरानी है ये वीडियो। चलो देखेंगे इस वीडियो को हम। भाई क्या कर रहे है, लावा डाल रहा है भाई ये। ओके यहाँ पर नदर पोर्टल है, वो भी ब्रेक कर दिया इसने नदर पोर्टल को, बीच में लावा डाल रहा है ये। और सैंडस्टोन लगाए इसने, क्या होगा लावा सैंडस्टोन से? व्हाट इज हैपनिंग? ओ इसने साइन बोर्ड भी लगा रहा है भाई, क्या लग रहा है इसका अंदर? एंटिटी 303 और कुछ लगा है इसने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिक्सेस। अच्छा ठीक है, वेट फॉर दिस साइन बोर्ड। बर्न हो गया साइन बोर्ड। अच्छा साइन बोर्ड बर्न होना इम्पोर्टेंट है, उस तब तक वेट करना पड़ेगा मैं साइन बोर्ड बर्न होने तक। देखो देखो जब साइन बोर्ड बर्न हो जाएगा आ जाएगा एंटिटी 303। चलो यहाँ पर प्लेन लैंड है, यहाँ पर हम बनाएंगे एंटिटी 303 के लिए। हाँ यहाँ पर देखो मस्त है यहाँ पर जगह, चलो यहाँ पर बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे एक स्क्वेयर। 1 2 3 4 5 1 2 3 डन, लगा दिया मैंने। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ऑब्सीडियन की ब्लॉक को। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ओके। फ्लिंट स्टील को ले लो, ऑन करके देखेंगे काम कर रहे नहीं कर रही है। ओके इट इज वर्किंग। अब हमें यहाँ पर इस ब्लॉक को ब्रेक करना पड़ेगा। ऑल राइट हो गई। अब यहाँ पर एक और ब्रेक करके लावा को लगा दो। अब हम यहाँ पर लगाएंगे साइन बोर्ड, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एंटिटी 303 और 11 सिक्सेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 सिक्सेस क्यों पसंद है इस एंटिटी को, मुझे नहीं पता। वेट करेंगे, अब इसको बर्न होना पड़ेगा। लावा की फ्लेम इस पर गिरेगा और ये बर्न हो जाएगा। कम ऑन बर्न हो जाओ, कम ऑन होना बर्न। अरे बहुत वेट किया मैं, बर्न क्यों नहीं हो रहा ये? चलो मैं खुद ही जला देता हूं मैं इसको। व्हाट बस जलने रहा यार ये। अरे आई थिंक अपडेट में निकाल दिया, एंटिटी 303 अब नहीं आएगा। व्हाट इज दिस? अरे निकाल दिया भाई इसको। वो व्हाट, लाइटिंग क्यों लग रहा है भाई यहां पर? ओ! भाई
303 आ गया यार, ये सच में आ गया, ये रिचुअल काम किया, ए डेडी 303 काम किया, यार दिस रिचुअल इज रियल। व्हाट, कैसे मर गया मैं? थंडर बॉय फेल आउट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ? और एंटिटी 303 गायब हो गई यार पीछे, ये क्या हो गया? बहुत अजीब भाई है भाई, कभी भी एंटिटी 303 को समन मत करना, बहुत अजीब भाई वो। नेक्स्ट रिचुअल को देखेंगे, क्या कर रहे भाई, घूम रहे भाई, ओ ऊपर विलेजर है भाई, विलेजर को लटका दिया इन लोगों ने, व्हाट भाई, देखो देखो विलेजर को लटका दिया और बीच में विलेजर गायब हो गया, जब भी लोग देश से घूम रहे ना तो विलेजर इज गॉन, व्हाट, बहुत अजीब है यार ये। कैंडल्स लगाया इन लोगों ने, देखो यहाँ पर चारों दिशाओं में कैंडल्स है, बीच में ये फायर वाली है और ब्रिज को लटका दिया। अच्छा ठीक है, हम भी करेंगे। यहाँ से नेदरराइट ब्लॉक यहाँ तक हमें फिल करना पड़ेगा। हे, इतना हार्ड वर्क मैं नहीं कर सकता भाई, चलो हम कमांड को यूज कर देंगे, फिल करो नेदरराइट ब्रिक्स, यस यूज इट, ये फिल हो गया, इजी पीजी। अब यहाँ पर हमें कैंडल्स लगाना पड़ेगा, 3-4, चलो 3-3 लगा देंगे हम, ये जलाओ, यस, ए गोमाता जी बाहर जाओ, हाँ लगा दिया मैंने। अब हमें कैंप फायर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, कैंप फायर को ले लो, कैंप फायर रेड वाले को ले लो, बीच में यहाँ पर लगाएंगे हम, बीच में है ना ये, नहीं आई थिंक राइट साइड में होना पड़ेगा, अब ये सब बीच में है ये। अब फिर से कैंडल्स लगाओ, अब इस बार हम एक एक लगाएंगे, ऑल राइट ओके, जलाओ इनको, हाँ यहाँ पर रहेगा। अब मुझे चाहिए बैरियर्स, ये बैरियर्स आपको मिलता नहीं है भाई, आपको कमांड ही यूज करना पड़ेगा, बैरियर्स यस, दे दो 10 बैरियर्स, कहाँ पर है बैरियर्स, ये ले लो भाई, अब बैरियर से कवर कर दो यहाँ पर, 2-3, 1-2-3 ओके लगा दिया बैरियर्स। अब हमें बहुत ही ध्यान से इन ब्लॉक्स को ब्रेक करना पड़ेगा। अब एक विलेजर की एग को ले लो और विजो स्पॉन करेंगे इसके अंदर, आ गया विलेजर, हो अब हमें इसको रिवर्स में करना पड़ेगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर देखो रिवर्स में है वो, उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक नेम टैग चाहिए, डिनर बोन ले लो इसको, अब यह नाम हम विलेजर को देंगे, विलेजर जी, अरे ले ले नाम, ये देखो रिवर्स हो गया, ये इस वीडियो में देखो दो लोग घूम रहे हैं ऐसा, मुझे भी एक और चाहिए, मैं अपने भाई को बुलाता हूँ मैं, ऑल राइट सब कुछ तैयार है, इस विलेजर को देखो कितना भयंकर है, और मेरा भाई भी आ गया, वो देखो ये मेरा ब्रदर है, ये कितना अजीब क्यों है तू, ये क्या पालना तूने, हाँ अरे आई एम टर्मिनेटर, हाँ अच्छा ठीक है, आजा आजा उस तरफ खड़ा हो जा तू, इस तरफ, हाँ ऐसा खड़ा हो जा, ओके जब मैं बोलूंगा गोल गोल घूमेंगे हम, अंडरस्टैंड, ओके ऑल राइट, रेडी 1-2-3 गो, कम ऑन गो, चलो भाई घूमेंगे, अभी तक विलेजर गायब नहीं हुआ भाई, एवरीथिंग इज ऑल राइट, गायब नहीं हो रहा है विलेजर, क्या फेक है क्या ये रिचुअल, व्हाट भाई विलेजर गायब हो गया सडनली, व्हाट द फ्रिकिंग फ्रीक इज दैट, बारिश क्यों हो रहा है भाई, और अरे बैरियर्स तो है यहाँ पर, देखो विलेजर कैसे गायब हो गया, यहाँ पर बैरियर्स है ना, तो विलेजर कहाँ पर चला गया, किस दुनिया में चला गया, किस डायमेंशन में चला गया विलेजर अब, अरे यार बहुत ही अजीब है रिचुअल, ओ माय गॉड, हाँ शिप बन गया क्या विलेजर, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है भाई, मुझे पता नहीं विलेजर कहाँ पर चला गया, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताना। अब हम ट्राई करेंगे दी नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखो भाई ये यूट्यूबर है, ये ट्राई कर रहा है कि एमरल्ड स्टीव के लिए, एमरल्ड लगाकर उसके ऊपर स्टीव की हेड्स को लगाए तो आ जाएगा दी एमरल्ड स्टीव, देखो फायर है यहाँ पर, उसके ऊपर लगा रहा है भाई स्टीव का हेड्स, ओ थंडर स्ट्राइक आया, ओ माय गॉड, चलो हम ट्राई करेंगे यहीं पर ट्राई करेंगे हम, मेरे पास एमरल्ड से एमरल्ड की ब्लॉक ले लो, आप देखो हम रखेंगे इसको
सेम टू सेम विदर की जैसे रखना पड़ेगा। हमें लगा दिया 3, हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा लावा को। चलो लावा को लगा दिया मैंने, अब मुझे जलाना पड़ेगा यहाँ पर। ऊपर जाओ। चलो जलाएंगे, 1 2 3 जला दिया मैंने। बारिश हो रहा है भाई, अब हम मिस्ट्री, अरे टूर गया ये, रहना ऐसे ही। अब मिस्टीव के हट को, अरे भाई रुक रहा है भाई ये, व्हाट इज दिस। अब यहाँ पर लगाएंगे हेड, अरे हेड लग नहीं रहा है भाई, कैसे लगा उसको, यहाँ पर लग रहा है हेड, यहाँ पर नहीं लग रहा है हेड, देखो लग ही नहीं रहा है, क्लिक कर रहा हूँ मैं। चलो काम करेंगे हम तो, यहाँ पर जला देंगे, यहाँ पर जलाओ, और यहाँ पर लगाऊंगा मैं। लगा दिया मैंने हेड, व्हाट, ऑलराइट चलो यहाँ पर लगाऊंगा मैं। भाई थंडर स्ट्राइक इज रियल, थर्ड हेड भी लगा दूंगा मैं। भाई साहब व्हाट इज हैपनिंग, वो भाई ये क्या हो रहा है भाई, अरे थंडर क्यों मार रहे यहाँ पर कुछ भी नहीं, थंडर क्यों मार रहे यार, बहुत अजीब है ये। भाई ये कौन है भाई, The Emerald Man, he is real, सच में क्या Emerald Man? हेलो सर, मुझे मारना मत प्लीज, मुझे मारना मत, मैं सर्वाइवल में चेंज हो जाऊंगा, प्लीज डोंट किल मी सर, डोंट किल मी। भाई ये तो फनी है यार, ये तो फ्रेंडली है यार। Yes, The Emerald Man is real. हम आगे वापस टू द रेड डेथ विलेजर, आप टाइम रात होने वाले है, देखेंगे ये बनता है कि नहीं द वेयरवुल्फ। अगर ये वेयरवुल्फ बन गया तो अरे ब्रेक कर दिया मैंने, अगर ये वेयरवुल्फ बन गया तो रात में साउंड क्या है, अजीब साउंड। अगर ये वेयरवुल्फ बन गया तो इट इज ट्रू, अगर वेयरवुल्फ नहीं बना तो वो रिचुअल सब कुछ फेक है यार, फेक। वो भाई इसके अंदर से कुछ आ रहा है भाई, वो मर गया, वो भाई चेंज हो गया, ये चेंज हो गया टू द वेयरवुल्फ। ओह माय गॉड द वेयरवुल्फ इज रियल, अगर मैंने इसको मारा तो भाई कुछ नहीं कर रहा भाई। कौन मारा मुझे, ये ज़ॉम्बी ने मारा यार, ए ज़ॉम्बी हट जा, मेरे पास कोई वेपन नहीं है। ओह वेपन है मेरे पास, वेट अ मिनट ले लो वेपन, अरे डोंट गिव मी, हाफ हार्ट है मेरे पास। उफ भाई तो फ्रेंडली वेयरवुल्फ है यार, डर गया मैं, देख कितना फ्रेंडली, इसको मारो तो भी कुछ नहीं कर रहा ये। अगर आपको ये रिचुअल्स पसंद है तो लाइक कर वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर चैनल को, नहीं तो ये वेयरवुल्फ गुस्सा आ जाएगा, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब को। बाय बाय।